दूल्हे का सेहरा सुहाना लग रहा है तो दुल्हन का भी दिल दीवाना लग रहा है। जी हाँ, आपको बता दे, शो शिव शक्ति में फाइनली वो पल आ गया, यानी कि शिव को उसकी शक्ति मिल गई, यानी कि यूं कहे शिव शक्ति एक हो गए और दोनों की शादी हो गई। और पहले शिव शक्ति के गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं और फिर उसकी मांग भरते हैं। दादी ने भी बोला कैसी आवाज थी, रघुनाथ जी ने बोला क्या नहीं पता नहीं, और इतने में मदिरा जी, अरे लगता है बाहर से बोल वाली की कोई फट्टी, वैसे इसे शगुन माना जाता है। फिर मदिरा जी ने बोला चलो चलो मनोरमा जी, मंत्री जी बोले चलो चलो मनोरमा जी, मनोरमा जी अपनी बेटियों को विदाई कर दीजिए। अब आपने माँ की तरफ देखा, इमोशनल हो गई मैं। पर वो कहते हैं ना कि जब इतनी सारी खुशी एक साथ आती है तो आंखें नम हो ही जाती है। यही हाल हुआ है हमारी शक्ति का, जहाँ वो दुल्हन के जोड़े में तो काफी खूबसूरत लग रही है, लेकिन साथ ही साथ उनकी आंखें भी नम हो गई है, जिसे शिव बड़े ही प्यार से उनके आंसू पोंछ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अब उनके रोने के दिन खत्म हुए और खुश होने के दिन आ गए हैं। पर आपको बता दे, इस बीच शिव को चक्कर भी आ रहा है। वेल, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या शिव की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर इतने टाइम तक जो शादी की रस्में चल रही है उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो गए हैं? अब इसके लिए तो आपको आने वाले एपिसोड का इंतजार करना होगा। बट शिव शक्ति को एक साथ देखकर और एक होते देख आप कितने एक्साइटेड हैं और साथ ही आपका क्या है कहना, वो हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। एंड इसी तरह की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जय शोबिज़ को।